कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली, वो दोनों कहाँ है मुझे नहीं मालूम। ओए तू ना मेरे सामने चिरकुट है, चिरकुट। चिरकुट नहीं भैया, थोड़ा सा बड़ा। नहीं तो चिरकुट ही है जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। लेफ्ट राइट लेफ्ट, चिरकुट। समझ गया चिरकुट। ओए चिरकुट, तूने गलती कर दी मां, तूने गलती कर दी। तो मुझे बताओ कि मुर्गी पहले आई अंडा? यार ये फालतू सवाल नहीं करो, ऐसे तो मैं भी आपसे कर सकता हूँ कि इस दुनिया में औरतें ज्यादा हैं कि मर्द ज्यादा हैं। ये तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, रुको भी एक सेकंड। काउंटिंग क्यों कर रहे हो आप? एक सेकंड रुक जा। अच्छा इसका कोई जवाब नहीं है, पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि जब मैं तुझे औरतों में गिन रहा हूँ तो तू मर्दों में कम पड़ रहा है, जब मर्दों में गिन रहा हूँ तो औरतों में कम पड़ रहा है, तो मैं तुझे किन में गिनूं? जिंदगी का मकसद क्या है? पैसा। पैसे को जरा साइड में रख देते हैं, आप जिंदगी से क्या खोजते हैं? वो पैसा जो तुम साइड में रखा। तो जब भी आपका एग्जाम आने लगे तो उससे 3 से 4 दिन पहले जो आपके आगे वाला रोल नंबर है, जो आपके पीछे वाला रोल नंबर है, दोनों लड़के को दोस्त बना लेना है। जैसी दोस्त बनाओगे तब आप जान जाओ कि आप किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं। मान लो 4 चैप्टर आ रहे हैं तो जो दोनों लड़के हैं ना, तो पहले वाले से कहना कि भाई तू पहला दूसरा चैप्टर तैयार कर ले, मैं तीसरा चौथा चैप्टर तैयार कर लूंगा। दूसरे वाले लड़के से कहना भाई तू तीसरा चौथा चैप्टर तैयार कर ले, मैं पहला दूसरा तैयार कर लूंगा, तो तीसरा चौथा चैप्टर तैयार कर लेगा। तो अगर आप यहाँ मुड़ी खजुआ देखोगे तो आपको एक चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ रहा है, ये वाला पहला दूसरा पढ़ लिया, ये वाला तीसरा चौथा पढ़ लिया, इन दोनों को भी लगेगा कि मुझे कम कम पढ़ना पड़ रहा है। और आप बैठे हो बीच में तो आगे वाला बताए पीछे वाले बताए, पूरा नंबर आप पा जाओगे। और तब से आप बेरोजगार घूम रहे हैं? सर बेरोजगार तो नहीं है, बस मतलब लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। उसी को बेरोजगारी कहते हैं जब आप रोजगार खोज रहे हो और ना मिल रहा रोजगार अभी तो।